जी राजीव राय जी, एलएसी से एलओसी तक जिसने भी आंख दिखाई उसको पूरी तरह से माकूल जवाब दिया गया। आज चीन और पाकिस्तान को भी दो टूक चेतावनी इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। राम मंदिर से आगे बढ़ते हुए, चूंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको उन्होंने छुआ है, एफडीआई की भी हम बात करेंगे, आत्मनिर्भरता को लेकर और कौन कौन सी चीजों का जिक्र किया है, लेकिन उसके पहले पड़ोसी मुल्क को जवाब मिल गया होगा क्या, और साथ ही बहुत सारे लोग जो देश के भीतर सवाल उठा रहे थे उन्हें भी। चित्रा जी, बहुत देर बाद बोलने का मौका मिला है, मैं बोलता नहीं, सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी बातों को ध्यान से सुना जाए। जी ठीक है। चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी की कोई बात किसी को बुरी लगती है? बात ही में तो सब कुछ है। हकीकत यह है कि बात में सच्चाई कितना है, उसका क्रियान्वयन कितना है। शाहनवाज भाई को आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं तो विपक्ष विरोध करता है। हम तो उनकी बातों का तारीफ करते हैं, हम तो विरोध करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी आकर अगर आज बोले होते कि भाइयों बहनों, मैंने विदेशों से काला धन लेने की बात आई थी, काला धन ला दिया, काला धन तो लाए नहीं, आज तक लिस्ट भी नहीं बताया। वो बोले होते कि सबको रोजगार दे दिया, 18-19 में सरकारी आंकड़े बोलते हैं केवल 18-19 में 1,10,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। वो बोले होते कि देश का विकास हो रहा है, पिछले 6 सालों में GDP सबसे नीचे जा रहा है। अभी आलोक भाई उदाहरण दे रहे थे, गाय जब दूध देती है तो उसको पालते हैं, नहीं तो बांग्लादेश नहीं देते हैं। मैं आपके आज तक की न्यूज की बात कर रहा हूँ, आज तक ने कल परसों लिखा था कि BPCL ने पिछले साल दोगुना कमाई किया, फिर भी उसको बेच रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि देश के नौजवानों को बेरोजगार करके, GDP को नीचे गिराकर, वो बैंकों को बेचकर, सरकारी संपत्तियों को बेचकर और बड़ी बड़ी बातें कर, आप बताए होते बुलेट ट्रेन कहां से कहां चल रही है, आप बताए होते कि स्मार्ट सिटी कहां चल रहा है, आप बताए होते उन सारे बातों पर रिपोर्ट कार्ड लेकर आए होते, मैं खड़ा होकर ताली बजाता, तारीफ की क्या बात कर रहे, ताली बजाता। पूरा देश वो चाहता है जो प्रधानमंत्री जी से पहले बोले हुए हैं। लेकिन हकीकत क्या है, आज मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं, उत्तर प्रदेश में 17 भर्तियों में पैसे लेकर एग्जाम कर लिए गए हैं, बच्चे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बच्चे 2 साल से आज बच्चे वो कृषि प्रौद्योगिकी के लिए हड़ताल पर बैठे हुए, बच्चे ये बोल रहे कि मेरा रिजल्ट तो बता दो कि हम पास है कि फेल है, ये इनकी सरकार है। मैं आज वैक्सीन की बात कर रहे थे चित्रा जी, बड़े अदब से कहूंगा, ये वैक्सीन जब इतनी लेट से बनना शुरू हुआ था, हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र है कि वो ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पर है, लेकिन ये वैक्सीन अगर उस दिन से बनना शुरू हुआ होता जिस दिन आप थाली ताली बजवा रहे थे, जिस दिन ट्रंप को गले मिला रहे थे, जिस दिन हिंदू मुसलमान कर रहे होते, हो सकता है ये वैक्सीन हो गया होता, आप बताए होते ना थाली और ताली से कितना फायदा हुआ। मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो भी बोले, प्रधानमंत्री जी आदरणीय है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और आलोक भाई आजादी के बाद से जो भी प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोला है उसकी अच्छी बातों की तारीफ और बुरी बातों की शिकायत हुई, कोई अनोखा नहीं हुआ है। आपकी पार्टी ने भी शिकायत किया इससे पहले और तारीफ भी किया है। ऐसा नहीं कि अगर हम आलोचना कर दें, अगर सवाल उठा दें तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, हम देशभक्त नहीं रहेंगे, हम सर्टिफिकेट मांगने लगेंगे। प्रधानमंत्री जो आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात किया, मैं चुनौती देता हूँ पैनल पर सारे बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, मैं बोलता हूँ उनके बात करने में 18% 18% की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो रिकॉर्ड है, आपको नहीं समझ में आया, आप कह रहे हैं कि गलत है ये। आपने देखे FDI 13% है, उसको भी उन्होंने 18% बढ़ाया। अरे प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे हैं, आपको उनकी बातों पर भरोसा नहीं, अलग से आप आंकड़े लेकर आ रहे हैं। राजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना शहनवाज हुसैन साहब, अगर मान लीजिए जिन बातों से इत्तेफाक नहीं रख रही है विपक्षी पार्टी, तो वो सवाल पूछ रही है आपसे, आप दीजिए ऐसा जवाब जिससे वो संतुष्ट हो जाए। मैं आज मान रहा हूँ कि अगर ये अगर हमने जवाब दिया है और प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही उसको पार्टी से ऊपर उठ के कही है, हम लोग उस तरह के कार्यकर्ता हैं, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आज प्रधानमंत्री के ध्यान में दल की कोई बात ही नहीं थी, आज देश को ध्यान में रखकर भारत के तिरंगे के नीचे खड़े होकर 137 करोड़ का नेता जब देश को संबोधित कर रहा है, तो भारत के नागरिक के नाते आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है प्रशंसा करनी चाहिए। अजय कुमार जी, आपके पास आऊंगी, राजीव राय उसके पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजीव राय जी, आज स्वतंत्रता दिवस का सुनहरा मौका है, कोरोना काल से संक्रमण के दौर से हिंदुस्तान गुजरते हुए आगे बढ़ रहा है, सरकार की ओर से कई ऐसे कदम भी उठाए गए जिससे देश फिलहाल दूसरे देशों से अगर हम तुलना कर लें तो थोड़ी बेहतर स्थिति में नजर आता है, तो आज तो आपको तारीफ करनी चाहिए थी जैसा कि शहनवाज हुसैन बोल रहे हैं।
इतना जी मैं शाहनवाज हुसैन से बोला ना कि जो वादे किए थे आज से पहले उस प्राचीर से खड़ा होकर उन बातों पर अगर आज रिपोर्ट कार्ड बता देते कि कितने स्मार्ट सिटी, कितने लोगों को रोजगार जीडीपी कितना बढ़ा दिया, विदेशों से काला धन कितना आ गया, तो मैं खड़ा होकर सैल्यूट करता हूं। मैं दो इशू उठाना चाहता हूं जिस बात को आपने सुमित्रा से पूछ रही थी। इतरा जी जहां विभक्ति की बात है, आप उत्तर प्रदेश से आती है, आपके एक जानकारी में हिंदी खबर के एक पत्रकार की हालत क्या हुई, सिर्फ कानपुर का रिपोर्टिंग कर दिया। और कितने पत्रकार अब आप कहां से कहां जा रहे हैं? राजीव जी, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है, आप कहां से कहां चले गए? मतलब सोनिया गांधी ने बयान दे दिया तो आप फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बोलने लगेंगे? आप सपा का पक्ष तो रखिए सर, आप सपा का पक्ष रखिए ना। जिन बातों पर आप सवाल सांसद जी से पूछ रहे हैं उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूं मैं। एक शब्द भी इधर उधर भी चला गया तो आप बोलिएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक तरीके में, प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा नीति का जब बदलाव आता है तो लोकसभा राज्यसभा में संसद में उसे बहस नहीं होनी चाहिए? किसी भी देश के लिए शिक्षा से बड़ी कोई नीति बन सकती है? पहली बार 37 सालों बाद अगर शिक्षा नीति बन रही थी तो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में उस पर बहस क्यों नहीं हुई? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके सवाल का से मैं अपने को जोड़ रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आजादी की बात है तो पत्रकारों को सवाल शिक्षा नीति बनाते हुए और देश में सीबीआई और देश में जितना इंटरेक्शन किया गया आज तक किसी और नीति बनाते हुए इतना नहीं किया गया। उनका कहना है कि संसद में बिना बहस के कैसे लेकर आए आप नई शिक्षा नीति दिवस? नहीं नहीं, हमने शिक्षा नीति बनाते हुए हर दल से, हर राज्य से सबसे राय ली गई। इतना बड़ा इंटरेक्शन तो आज तक आजादी के बाद कोई नीति बनाते हुए हुआ ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग स्वतंत्रता आप नहीं, अधिकारियों के साथ नहीं, हर राज्य से, हर संसदीय दल से सबसे बातचीत कर गई ये शिक्षा नीति आई। आपको इसमें क्या कमी लगती है इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर इतना नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज स्वतंत्रता दिवस पर आपको इसकी शुभकामना देते हैं, अपने देश के बारे में दो शब्द अच्छा भी बोल लीजिए। जरूरत नहीं है कि आज के दिन भी ऐसी बातें अपने देश पर, अपने देश की सरकार पर आप करें। लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातांत्रिक मुल्क खतरे में है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं कहूँ, आपने मिसाल दे दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरे प्रधानमंत्री की हर बात अच्छी लगती है। मैं कह रहा हूँ